बताइए दोस्तों, ये टेस्टी रेसिपी बनाते हैं। ये है पंजाब की देसी लौकी की रेसिपी। आइए देख लेते हैं ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़ते हैं और कैसी बनती है ये रेसिपी। आइए देखते हैं दोस्तों। हेलो यूट्यूब के दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। नवजोत होम शेफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए। दोस्तों आज हम बनाएंगे दोस्तों पंजाब की ट्रेडिशनल रेसिपी, जो है लौकी की सब्जी। आपने लौकी, लम्बी वाली लौकी की सब्जी ज़रूर खाई होगी दोस्तों, उसकी खीर भी खाई होगी दोस्तों, पर इस तरह की लौकी की रेसिपी आपने नहीं खाई होगी। एक बार इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जितना खाने में टेस्टी है उतना ही हेल्थी होता है सब्जी दोस्तों। आइए उसके लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, झटपट रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। इसके लिए दोस्तों हम लेंगे लौकी, जिसे हमने काट कर धोकर अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया। एक प्याज लेंगे हम, जिसे हमने धोकर काट लिया दोस्तों। एक गिलास हम लेंगे मिल्क, एक कटोरी हम लेंगे दूध की मलाई, आपने फ्रेश मलाई लेनी दोस्तों। और ये रही हमारी लौकी, जिसकी हम आज रेसिपी बनाएंगे। इस तरह से हमने बारीक बारीक काट लिया इसे। आइए अब रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम बता देना चाहते हैं दोस्तों वहाँ टिप, वो टिप ये है दोस्तों, इस तरह की हमने लौकी को जब छीला था, इसका छिलका ऐसा होता है दोस्तों, ये देखिए इस तरह का पतला पतला छिलका उतरता। अगर आप इसे फेंकना ना चाहे तो इसकी आप भाजी बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, बहुत ही टेस्टी भाजी बनती है। इसे आप छोटे छोटे पीस में काट लीजिए और इसमें एक आलू डालकर भाजी बनाकर अपने बच्चों को खिलाइए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। अगर आपने इसकी भाजी की रेसिपी देखनी है तो दोस्तों हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बनाकर भी दिखाएंगे। लीजिए दोस्तों, हम आज कोई पतीला नहीं, कुकर नहीं यूज़ करेंगे दोस्तों, कोई हम पैन नहीं यूज़ करेंगे। आज हम बनाएंगे हांडी में इस रेसिपी को। हमने हांडी में ऑयल डाल दिया, अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब हम डालेंगे प्याज। लीजिए प्याज डाल के अब हम डालेंगे नमक दोस्तों, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार रखिए। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डालेंगे दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा मसाला तैयार है। ये रेसिपी हम ना ही इसमें कोई गरम मसाला डालेंगे, ना ही लहसुन डालेंगे, ना ही अदरक डालेंगे दोस्तों। सिंपल तरीके से और टेस्टी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अब डालेंगे लौकी। लीजिए दोस्तों, हम पानी डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कम आंच पर इसे पकाएंगे। आइए दोस्तों हमारी सब्जी देखते हैं कहां तक बनी है। ये लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें दूध और मलाई डालेंगे। आइए दोस्तों, अब हम मिल्क डालेंगे पहले, अब हम मलाई डालेंगे। अब हम इसे कम आंच पर पकाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए दोस्तों। आपने इसे कम आंच पर 1 मिनट के लिए पकाना और इसे धीरे धीरे से हिलाते जाना, ताकि जो हमारी रेसिपी है वो क्रीमी बन सके दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमारी क्रीमी लौकी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको सर्विंग बोल में डालकर भी दिखा देते हैं दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमारी बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार है। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। थोड़े से धनिया पत्ते से गार्निशिंग करेंगे दोस्तों।
लीजिए दोस्तों, हमारी लौकी की रेसिपी तैयार है। पंजाब की फेमस रेसिपी है दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। खाने में भी टेस्टी है और हेल्थ में तो बेस्ट है दोस्तों। इसका आप जूस भी बनाकर पी सकते हैं, रेसिपी बनाकर भी आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमारी इस रेसिपी थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगती है तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब नवजोत होम शेफ चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।